यहाँ पे मैं नॉर्मल कैमरा भी घुमा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है सिनेमैटिक व्यू ही है पूरा। यहाँ पे ये चक्का लगाया हुआ है, जब इनको आटा पीसना होगा इस चक्के को हटा देंगे और पानी का दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग, और आप देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा कितना सही है। ये हमारी लोकेशन है जहां हमने रात को कार कैंपिंग की थी, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है यहां पे, कोई पत्ता भी गिरे तो पूरा सुनाई देता है रात को, पर बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत ही मज़ेदार। हम थोड़ा 6-7 बजे पहुँचे थे देवीधर, तो हमें अंधेरा हो गया था यहाँ पहुँचते हुए, तो रात को हमने ब्लॉग नहीं किया, मैंने कहा मॉर्निंग में बताएंगे अब आपको। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी लोकेशन है, जैसे देवीधर पहुंचते हैं थोड़ा सा ही ऊपर आते हैं वहीं पे हमें ये लोकेशन देखने को मिल जाती है। बाकी अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, वहाँ हम घूमेंगे, कुकिंग भी करेंगे हम, भूख भी लगने लग गई है तो खाना तो बनाएंगे ही हम। बाकी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो लोकेशन, बाकी मैं दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं नॉर्मल कैमरा भी घुमा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है सिनेमैटिक व्यू ही है पूरा, इतनी प्यारी जगह है ना। हमारी गाड़ी यहाँ पे आते आते गंदी हो गई है सारी धूल से, तो पीछे लोगों के खेत और सूर्यदेव भी आ रहे हैं। यहाँ पहाड़ों की एक खासियत है कि सूर्यदेव सुबह सुबह ही आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप देवीधर के नज़ारे, बहुत ही नेचर से जो कनेक्टेड रहते हैं उनके लिए तो जन्नत है। और कितना, अभी आपको हम दिखाएंगे घराट, पानी से चलने वाली चक्की, इसमें नेचुरल वे टू पीसिंग आटा। वाओ, बड़ा व्यू। ये जो आप नीचे देख रहे हो ये घर नहीं है, ये घराट है, यहाँ पे आटा पीसा जाता है नेचुरल वे में, जैसे बिजली बनाई जाती है टरबाइन से, वो आपको पता है बड़ा टरबाइन होता है, ये छोटा है, इसमें चक्की घुमानी है। खूबसूरत, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे जा रहे आप लोग। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये पानी का प्रेशर अंदर जा रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चक्का लगाया हुआ है, जब इनको आटा पीसना होगा इस चक्के को हटा देंगे और पानी का प्रेशर पूरा आगे जाएगा। अभी आप देख सकते हो कितना कम प्रेशर जा रहा है ना, तो अब यहाँ से फुल प्रेशर जाएगा, जैसे इस चक्के को हटाएंगे पूरा प्रेशर जाएगा और अंदर जो टरबाइन है छोटा सा वो घूमेगा, उसकी मदद से चक्की भी घूमेगी और आटा पीसना स्टार्ट हो जाएगा। कोई बिजली का यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे है आटा पीसने का। और सारू वहाँ पे फुटेज लेती अपने फ़ोन से, अभी चक्की तो बंद होगी, अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको। टरबाइन इनका, ये जो टरबाइन बनाया हुआ है, ये आपको जो अंदर दिख रहा है यही टरबाइन है, इसके इस पे पानी का प्रेशर जब ज़ोर से बजेगा ऊपर से, जैसे मैंने दिखाया ना चक्का खुलेगा पूरा प्रेशर आएगा और ये टरबाइन तब घूमने लग जाएगी। अभी चक्का लगा है इसलिए घूम रही है, बाकी मैं चक्का हटाऊँगा नहीं, कुछ यहाँ पर लोकल होता तो हटा कर मैं दिखा देता, क्योंकि बिना बात के पत्थर घुमाना भी मानते हैं, ये धार्मिक ही मानते हैं हर चीज़ को, तो उसको ऐसे नहीं करने देंगे।
सामने आपको दिखेगा ये देवीधर का पार्क है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो खजियार जैसा बना है। बस यहाँ का ग्राउंड छोटा है तो वी कैन कॉल इट मिनी खजियार। तो आपको लेके चलते हैं हम अब पार्क के अंदर। बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, खजियार जैसी फील देता है आपको। हम आपके इसका शॉट दिखाते हैं पूरा। बोट तो एक काम की नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा है पानी वाला। किड्स के लिए पार्क है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बच्चे कर सकते हैं यहाँ बोटिंग। और ये ऊपरली साइड आपको माता जी का मंदिर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये है देवीधार का मंदिर, माता रानी का मंदिर, बंद है इस टाइम। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है देवीधार, कहीं पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो आप फुल फैमिली, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। और सिर्फ यही नहीं है, नीचे को सारा पानी वाला तो हमने भी आपको दिखाया ही, घराट वगैरह तो वो सारा। बाकी आपको खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम सुबह सुबह हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको बताया नाइट कैंपिंग की थी तो हम बिल्कुल सुबह सुबह यहाँ पर हैं। यहाँ पे आपको कैंप्स भी देखने को मिलते हैं, अगर आप कैंप में स्टे करना चाहते हो तो ये पूरा कैंप साइट है, यहीं पार्क में कैंप साइट भी है। बहुत ही बॉनफायर करके पूरा एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे कैंपिंग का। अब हम इसके ऊपर चले हैं व्यू का नज़ारा लेने। दोस्तों ये देख रहे हो आप किड्स पार्क है, ये फाउंटेन है, यहाँ पे इतनी ठंड है कि फाउंटेन का पानी जमा हुआ है तो इस टाइम तो चलेगा नहीं, ये पूरा जमा हुआ है। देखो दोस्तों कैसे हैं, बच्चों के झूले तक नहीं बख्शते हैं, लगे हैं झूले जहाँ मिला नहीं झूला। मैं चढ़ा तो मेरे को लगता है टूट ही ना जाए कहीं, जुर्माना देके जाना पड़ेगा। तो बड़ी खूबसूरत जगह है, ये है हमारी गाड़ी और सामने वहाँ पे था पार्क देवीधर वाला, और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं अब कुकिंग करने। नीचे आपको प्लेन लोकेशन दिख रही होगी, वहीं पे हम कुकिंग करेंगे। हाँ खाने की तलाश में डॉगू, उसको उम्मीद है हम कुछ खाने को देंगे। लोकेशन गाइस देखो मेरा पुल, थोड़ा पुल भी है। हर कुछ पुल अभी इस टाइम पे यहाँ पे पानी कम है, पानी का फ्लो थोड़ा कम है, सर्दियों में पानी जम जाता है तो सर्दियों में कम पानी आता है। नीचे ज्यादा जाता है यहाँ पे उस तरफ से भी, और बीच में भी और स्ट्रीम्स भी आती है। अच्छी है कुकिंग लोकेशन, करते हैं हम तैयारी, फिर मिलते हैं आपसे, पहले हम तैयारी कर लें। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कुकिंग का सेटअप हम कर चुके हैं, यहाँ पे हम आज पास्ता बना रहे हैं, और हवा रोकने के लिए मैंने पूरी तरह से पत्थर लगा दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि पानी के पास ओपन एरिया है तो हवा बहुत तेज है यहाँ पे। बाकी पास्ता के लिए मैंने पानी रख दिया है गर्म होने, और आप ये व्यू देख सकते हो सारा पानी वाला एरिया है, पूरे ओपन एरिया में कुकिंग कर रहे हैं हम। ये ऊपर जो दिख रहा है आपको ये पार्क था वो जो हमने आपको फुटेज दिखाई, और पेड़ देखो क्या लंबे लंबे पेड़ है देवधार के। सब कुछ कुकिंग इन वुड्स, ये यहाँ पे सारू प्याज टमाटर काट रही है, सारू बोलते हैं हवा तेज है तो छाँव में खड़ के काटूंगी। ओके नाउ आई गॉट इट, इट्स नेचुरल टेबल। तो सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर है,
देखने को तो सूर्यदेव प्रकट है हमारे ऊपर और बैठे भी हम बिल्कुल धूप वाले एरिया में हैं, पर लेकिन यहाँ पे हवा इतनी तेज़ है ठंडी कि क्या बताएं आपको, बिल्कुल सूरज के नीचे बैठ के भी ठंड लग रही है। और जगह तो आपको बताइए कितनी सुंदर है, ये जितना देखो कम लगता है, खो जाएं इस खूबसूरती में ऐसा लगता है। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गर्म पानी में पास्ता डाल दिया, पास्ता सॉफ्ट होगा और ये थोड़ा मैसी हो गया है यहाँ पे, इसको इग्नोर करना, बाकी हम कर देंगे कवर इसको सब कुछ। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे सारू ने भी सारी सब्जियाँ चॉप कर दी हैं, देखते हैं क्या क्या कर दिया चॉप, क्या क्या सारू है। जैसे कि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे मटर है, प्याज है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, टमाटर है और गाजर है। ये सारे वेजीज हम पास्ता में डालने वाले हैं आज। बाकी जो छोटी मोटी गंदगी आपको दिख रही है हमने नहीं मचाई है, पहले से ही मची हुई है यहाँ पे। हालांकि मचाना नहीं चाहिए गंद जंगलों में, हम तो मचाते नहीं हैं, जितना भी हम मैसी करेंगे वो हम उठा लेंगे। बाकी कभी लाएंगे चार पांच दोस्तों को साथ में सफाई अभियान करने। और ये डॉगी खा के आ गया, इसे मैंने गाजर दी थी अभी थोड़ी देर पहले। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो पास्ता हमारा एकदम बाउंसी बाउंसी हो गया है, एकदम बाउंसी रेडी टू कुक। अब यहाँ पे हम तड़का लग गए लगाने, देसी घी डाल दिया गया है, पानी, और यहाँ पे हमारे पास्ता को तड़का लगते हुए वेजीज आप सारू के हाथ में देख ही रहे हो। और अब टमाटर डल गए हैं और फाइनली हमारी वेजीज डल गई हैं पकने के लिए। क्या शानदार लग रहा है ना दोस्तों। पास्ता डल चुका है हमारा, एकदम क्रीमी फ्लेवर। दोस्तों बताना देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, टेस्ट हम बताएंगे आपको। कल हम सरप्राइज हो गए थे सैंडविच से भी। ये हमारे मेहमान खाने का इंतजार करते हुए और एक यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्लीज डूड, और मैं कुकिंग करता हुआ। इट्स टेस्टी। दोस्तों पेट पूजा तो हमारी होगी जैसा कि आपको पता है। अब हम यहाँ से अब टाइम आ गया है किसी नई लोकेशन में जाने का, तो कुछ दिनों के बाद हम आपको मिलेंगे किसी नई जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय। डू सब्सक्राइब, लाइक अवर चैनल एंड शेयर इट।